लेकिन मेरे लिए तो न गरीब छोटा होता है न गरीब की सेवा छोटी होती है, मेरे के लिए तो ये एक प्रकार से पुण्य का अवसर होता है। इनको तो ये भी तकलीफ, मैं कुंभ के मेले में आया, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, लेकिन जब कुंभ के मेले में आया तो दुनिया में कुंभ के मेलन की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी थी उसकी सफाई के कारण, उसकी सफाई के कारण। तो मेरा मन कर गया और मैंने जो सफाई करने वाले भाई बहन थे उनके पैर धोए, उनके उनके आशीर्वाद लिए। भाई इतना बड़ा काशी विश्वनाथ धाम बन गया, चारों तरफ जय जयकार हो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो उस मजदूर की तरफ था जिसने मेहनत करके काशी विश्वनाथ धाम बनाया था। तो सारे संत बैठे थे, सारे महापुरुष बैठे थे, मैं उनके पास नहीं गया, मैं वहां चला गया जहां इन मजदूर बैठे थे। फूलों से वो फूलों की वर्षा की, उनका सम्मान किया, उनके आशीर्वाद लिए। क्यों? मुझे मालूम है यही मेरे देश के लोग हैं जो मेरे देश के सपने पूरे करेंगे भाइयों, और इसलिए उनके सपने पूरे करने के लिए मैं अपने सपनों को खपा रहा हूं भाइयों बहनों, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा आजकल ये लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान उसका भी विरोध कर रहे हैं, ये लोग भारत को अब भी दूसरों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं, दुनिया के बाजार में ले आओ और अपनी गाड़ी चलाओ। आप मुझे बताइए भैया, फतेहपुर के वीर परिश्रमी पराक्रमी लोग ये दुनिया से सब बाहर से ला करके उसी से गुजारा करने से दूसरों पर भारत को निर्भर रहना पड़े, आजाद भारत के लिए ये शर्मिंदगी है कि नहीं है? हमें बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे हमारे पूर्वजों ने यहां बलिदान दिए थे ये भारत के सम्मान के लिए।